पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महिला संस्था यप द्वारा संचालित अम्मा की रसोई के माध्यम से अभावग्रस्त और राहगीरों को 2 अक्टूबर के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भोजन वितरण किया गया। इस दौरान यप ग्रुप के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी सदस्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। भोजन वितरण के दौरान पूनम, कविता, भावना गुप्ता, सारिका, सान्या, एकता, वांछी भटनागर, संजना भटनागर, मिली सिक्का, शालिनी गुप्ता, ऋतु, शोभा, प्रियंका, सुनहा, प्रीति, सोनिया, पारुल, पूजा, राजीव आदि का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर यप संस्था की अध्यक्षा नेहा मेहरोत्रा ने बताया कि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारे शहीदों की ही देन है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हम अपने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। नेहा मेहरोत्रा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेंगे। आज यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल के साइड से जो अम्मा की रसोई संचालित की गई है और उसका वीकली स्टार्ट हो गया है, तो आज हमने पीली कोठी कंपनी बाग पर कड़ी चावल का वितरण किया है। और आप देख सकते हैं यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल के सारे ही दोस्त बहुत अच्छे से इसमें वितरण भी कर रहे हैं और मेरा सहयोग भी कर रहे हैं, जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या विशेष रहा आज के दिन में? आज 2 अक्टूबर को कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिन भी है जिसे सभी सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं, सब अच्छे रूप में ही मनाते हैं। तो आज ही के दिन से हमने फर्स्ट रसोई स्टार्ट करी है, जो अब हम वीकली स्टार्ट करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।